हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप फॉर्म 2019। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप फॉर्म जिन लोगों ने भरा है उनके लिए बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, आपने अपना स्टेटस फॉर्म चेक कर लीजिए। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में संशोधन की शुरुआत आज से कर दी है, यानी कि 19 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर और कैसे आपको संशोधन करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति शुल्क हेतु त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों में आज से कर सकते हैं सुधार। जी हैं, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में दसमोत्तर कक्षाओं 11-12 को छोड़कर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत नवीन समय सारणी के अनुसार छात्रों द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदनों पर स्टेटस NIC से स्क्रूटनी के उपरांत संदेहास्पद श्रेणी में दर्ज छात्रों के संबंध में 19 से लेकर 28 दिसंबर तक सुधार कराया जा सकेगा। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरनाथ यति ने दी है। उन्होंने बताया कि संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदनों की त्रुटि को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट 19 से 28 दिसंबर तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन त्रुटियों को ठीक करके छात्र छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नों समेत शिक्षण संस्था में जमा किया जाना है। आवेदन पत्र भरने के 3 दिन के अंदर विलंबतः 31 दिसंबर तक किया जाना है। छात्र छात्रा द्वारा सही संदेहास्पद डाटा को NIC की राज्य इकाई के विभिन्न निर्धारण बिंदुओं पर 10 जनवरी 2020 तक किया जाना है। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे एडिट करना है, पूरी जानकारी हम देते हैं। तो आपको गूगल पे जाके ये आपको सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप। यहाँ पे जाके आपको ये सर्च करना है, scholarship.up.nic.in पे आपको जाके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो है वेब पोर्टल कुछ इस तरह से खुलेगा। देखिए यहाँ पे खुल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खुल गया है। तो आपको यहाँ पे जाना है, जैसे ही ये खुल जाएगा आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे स्टूडेंट में जाना है आप सभी को। स्टूडेंट में आप जैसे ही जाएंगे, आपको स्टूडेंट पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक कर देना है आप सभी को। आप सभी जैसे लॉगिन करेंगे, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं यानी कि इस साल आपने एडमिशन लिया है, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, अगर आपके इंटर के अलावा है तो आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो रीन्यूअल पर जाके आपको क्लिक करना। यहाँ पर हम पोस्ट मैट्रिक जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम क्लिक करके दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप अपनी डिटेल भर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं आप, यहाँ पे आप जन्मतिथि भर सकते हैं, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। देखिए हमने सारी डिटेल सबमिट कर ली है, उसके बाद अब हम सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर अभी देखिए ये खुल नहीं रहा है, यहाँ पर दिक्कत वेबसाइट पर थोड़ी सी दिक्कत अभी दिखा रही है। तो जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, आप इसी प्रकार से आप लॉगिन करके नीचे आपका पूरी डिटेल्स दिखाएगा, तो वहाँ पे आप जाके उसको खोल कर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। आप एडिट का ऑप्शन में जाएंगे, एडिट का ऑप्शन दिखाएगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एडिट करके आप उसको सबमिट करके आप अपने कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर दीजिए। 28 तारीख तक आप जमा कर दीजिए अपने कॉलेज में, या 29 तक, जिससे कि कॉलेज आपका 31 तक भेज सके। तो ये रही अपडेट, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।